इस वीडियो में आप जानेंगे आदि पुरुष फिल्म की 10 सबसे बड़ी वजह, जिसके कारण फिल्म तो छोड़िए लोगों को आदि पुरुष का टीजर भी पसंद नहीं आया। इस फिल्म के VFX से लेकर कास्ट के लुक्स भी लोगों को नापसंद हैं। इस मूवी को लेकर ये कहा गया था कि ये मूवी महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित होगी, लेकिन टीजर में जिस तरह से कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनका जिक्र किसी भी हिंदू शास्त्र या लोक कथाओं में भी नहीं किया गया है। चलिए बताते हैं इस मूवी के 10 सबसे बड़ी मिस्टेक्स। नंबर 1, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो खुद ही समझ सकेंगे कि इस फिल्म का VFX इतना खराब है कि देखने में इस फिल्म का VFX किसी कार्टून फिल्म की तरह लगता है। इसे आप भी देखिए। इस मूवी में VFX पर अच्छा काम ना करने की वजह से लोग इस मूवी को नापसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मूवी से अच्छा VFX तो हमारी रामानंद सागर की रामायण में था। नंबर 2, इस मूवी के हीरो प्रभास, जिन्होंने राम का किरदार प्ले किया है, इनके लुक से भी लोग इस मूवी को नापसंद कर रहे हैं। वैसे ये तो सही बात है, आज तक हम सभी ने जितनी भी रामायण देखी है उन सभी में भगवान राम भगवा वस्त्र और पैरों में खड़ाऊ के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन आदि पुरुष मूवी में भगवान राम के कपड़े खुद ही देख लीजिए। अब इनके पैरों में पहने सैंडल को भी देख लीजिए। बस इसीलिए लोगों को हिंदू धर्म के साथ आस्था रखते हुए ये सब देखकर गुस्सा भरा पड़ा है। नंबर 3, इस फिल्म में माता सीता का किरदार कृति सेनन प्ले कर रही हैं। अब आप ही बताइए, इन्हें देखकर आपको कहीं से लगता है कि ये माता सीता हैं? जिस लुक में नजर आ रही हैं और जिस तरह इनका पहनाव है, ये देखकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी है। अगर हम अपनी पुरानी रामायण में माता सीता को देखें और इस फिल्म में माता सीता को देखें तो दोनों का पहनाव बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। लोगों का कहना है कि स्त्री और पवित्र धर्म का पालन करने वाली माता सीता का इस तरह का लुक हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। नंबर 4, ये है आदि पुरुष की रामायण के रावण। ये सैफ अली खान हैं, इन्होंने रावण का रोल प्ले किया है। अब आप ही बताइए, आज तक आपने जितनी भी रामायण देखी हैं, उनमें कभी ऐसा रावण देखा है? बस इसी रावण को देखकर लोगों में और ज्यादा गुस्सा है। सैफ अली खान मॉडर्न स्टाइलिश और स्पाइक हेयर कट्स में नजर आ रहे हैं। लोगों ने फिल्म के साथ ही ट्विटर पर भी सैफ अली खान के रावण के लुक को खिलजी का लुक बता दिया है। लोगों का कहना है कि रावण ने भले ही बुरे कर्म किए थे, लेकिन रावण इस दुनिया का सबसे महान ज्ञानी था। नंबर 5, इस मूवी में रावण को ड्रैगन की सवारी करते हुए दिखाया गया है, लेकिन हम सभी बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं रावण के पास पुष्पक विमान था जिस पर वो चलता था, और पुष्पक विमान का जिक्र हमारी रामायण में भी किया गया है। लोगों का कहना है कि रावण की एक महान धार्मिक शख्सियत रही है। रावण कोई राक्षस नहीं था और इसे ड्रैगन पर चलते दिखाना सही नहीं माना गया है। नंबर 6, इस फिल्म को नापसंद करने की ये भी एक खास वजह है। इसमें भगवान हनुमान को देखिए, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे ये भगवान हनुमान लुक वाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। लोगों ने भगवान हनुमान का लुक इस फिल्म से पहले कभी ऐसा लुक नहीं देखा। इस फिल्म के टीजर देखने से ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी नाराज हो गए। उनका कहना है कि इस फिल्म में हनुमान भगवान के वस्त्र अजीब हैं। फिल्मों में कई जगह कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनका हमारी वास्तविक रामायण से कोई भी वास्ता नहीं है। एक बार आप भी ध्यान से देखिए। भगवान हनुमान के कपड़े चमड़े के दिखाए गए हैं, ये सच में हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम किया है। नंबर 7, युद्ध स्थल पर राक्षसों को दिखाया जाना। लोगों का कहना है कि भगवान राम राक्षसों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी हिंदू या लोक कथाओं में इस तरह के सीन के बारे में कभी देखा या सुना नहीं है। एक बार आप भी देखिए। देखने में ऐसा लगता है कि ये सीन्स हॉलीवुड मूवी से कॉपी किए गए हैं। नंबर 8, ओम राउत की मूवी आदि पुरुष का टीजर जब रिलीज किया गया था, तभी से लोगों ने ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही कई तरह के मीम्स भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे थे। इस मूवी में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिन्हें राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स से कंपेयर किया जा रहा है। अगर इस फिल्म के मेकर्स चाहते तो लोगों के द्वारा टीजर ना पसंद करने पर ही इस फिल्म में चेंजेस कर सकते थे, लेकिन आज सभी लोग इस फिल्म को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। नंबर 9, अगर आपने हॉलीवुड मूवी
एक्सट्रैक्शन देखी है तो आपको पता होगा कि एक सीन में क्रिस हेम्सवर्थ पानी के अंदर मेडिटेशन करते हुए दिखाए गए हैं, और आदि पुरुष में भी एक सीन में भगवान राम पानी के अंदर मेडिटेशन करते दिखाए गए हैं। लोगों का कहना है कि ये सीन हॉलीवुड मूवी से कॉपी किया है। जब हमारी रामायण में सब कुछ बताया गया है तो किसी और मूवी से कॉपी करने की क्या जरूरत है। नंबर 10, आदि पुरुष मूवी को देखने के बाद लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि लोग इस मूवी को बायकॉट करने को बोल रहे हैं। सभी लोगों का बस एक ही रिएक्शन है कि आज से पहले हमने ऐसी रामायण ना सुनी थी और ना देखी थी। हर बार हमारे हिंदू धर्म और आस्था को मजाक के रूप में क्यों दिखाया जाता है। इस फिल्म का 50% हिस्सा भी हमारी वास्तविक रामायण से मैच नहीं करता है। लोगों का इस फिल्म का VFX कई जगह पर पसंद नहीं आया। कुछ जगह पर इतना गंदा VFX यूज किया है कि ग्रीन स्क्रीन को भी साफ साफ देखा जा सकता है। बस इन्हीं 10 वजहों से लोग इस मूवी को देखकर गुस्से में बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। पर्सनली मुझे भी इस मूवी को देखकर अच्छा नहीं लगा। वाकई इस मूवी में कई तरह के सुधारों की जरूरत थी। अगर आपने आदिपुरुष मूवी देखी है तो आप इस मूवी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।